अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए का थर्ड टॉपिक है, जिसका नेम है यूएसए एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, जो कि टाइम पीरियड यहाँ पर उन्होंने बताया है 1606 से 1783 तक। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कॉलोनीज़ काफ़ी पहले से बनना स्टार्ट हो गई थी, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग 1606 से पहले भी हम कह सकते हैं कॉलोनीज़ बननी स्टार्ट हो गई थी। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। सो यूएसए एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया है कि द ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टार्टेड इन द मिडल ऑफ 1750s के अंदर इनकी सुप्रीमेसी स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले 1606 से भी पहले इनकी जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, जिस तरह हमारे पास स्पेनिश इन्वेजन हुई, स्पेन ने आकर कंकर किए, और इसी तरह इटालियन जो पोर्तगीज़ एक्सपेंशन हुई, तो बेसिकली ये सब जो थे ये सब यूरोपियंस ही थे। तो कॉलोनीज़ जो सही प्रॉपर बननी स्टार्ट हुई वो 1606 से स्टार्ट हुई। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे तीन तरह की जो कॉलोनीज़ हैं। पहली जो है वो नॉर्दर्न कॉलोनी है, सेकेंड मिडल कॉलोनीज़ हैं, और थर्ड जो है वो साउदर्न कॉलोनी है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं नॉर्दर्न कॉलोनीज़ के अंदर। नॉर्दर्न कॉलोनीज़ क्या हैं? फर्स्ट जो नॉर्दर्न कॉलोनी थी वो थी मैसाचुसेट्स, जो कि यूएसए के अंदर फर्स्ट कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी पहली कॉलोनी, जिसका नाम था मैसाचुसेट्स, और 1630 के अंदर ये इंक्लूड की गई थी यूएसए की एक कॉलोनी के अंदर। सो बेसिकली ये इस्टेब्लिश की गई थी, प्यूरिटन्स ने इस्टेब्लिश किया था इनको। और प्यूरिटन्स कौन थे, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है कि प्यूरिटन्स वो थे जो बेसिकली कैथोलिक्स थे, और जो कहते थे कि चर्च विल मेक लॉज, ठीक है। प्रोटेस्टेंटिज्म जो थे वो बिल्कुल इसके अपोजिट थे, और वो कहते थे कि सेकुलरिज्म होनी चाहिए, कि चर्च को और जो पॉलिटिक्स हैं उनको अलग होना चाहिए, रिलीजन और पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड। बट प्यूरिटन्स कहते थे कि कैथोलिक्स जो कि कैथोलिक्स थे, और ये कहते थे कि जो चर्च हैं उनको लॉज बनाने चाहिए पॉलिटिक्स वगैरह के भी और बाकी भी। सो इसके अंदर इसका पर्पस जो था इस कॉलोनी के बनने का, कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकें, और यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट के राइट्स दिए जाएँ कॉलोनी को। सो पहली जो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी वो यहाँ पर ही फर्स्ट टाइम बनी, और फर्स्ट टेक्सटाइल मिल भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, पहली टेक्सटाइल मिल भी। और ये मार्केंटलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको रीजंस में बताऊंगी कि रीजंस जो थे कॉलोनाइजेशन के वो क्या थे, उसके अंदर मैं मार्केंटलिज्म को डिस्कस करूंगी। सो अगर हम इधर इस मैप की बात करें, तो यहाँ से जो मेन मैसाचुसेट्स हैं, न्यू हैम्पशायर है, और साथ में मैसाचुसेट्स, रोड आयरलैंड और कनेक्टिकट, यहाँ तक हमारे पास सारी जो कॉलोनीज़ हैं, ये सारी कॉलोनीज़ जो हैं ये नॉर्दर्न कॉलोनीज़ हैं। इसके नीचे वर्जीनिया से ऊपर तक हमारे पास मिडिल कॉलोनीज़ हैं, ठीक है। न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, ये सब हमारे पास मिडिल कॉलोनीज़ हैं। और वर्जीनिया से नीचे जॉर्जिया तक हमारे पास सारी साउदर्न कॉलोनीज़ हैं। अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, मैंने पहले मैप इसलिए दिखाया था कि आप लोगों को आसानी हो अंडरस्टैंड करने में। सो सेकंड जो है वो हमारे पास कॉलोनी है न्यू हैम्पशायर की, हैम्पशायर की जो बेसिकली कॉलोनी है, 1622 के अंदर ये बनी थी, और जॉन व्हील राइट ने इस कॉलोनी को बेसिकली इस्टेब्लिश किया था। और बेसिकली ये भी प्यूरिटन्स थे, और इंग्लैंड ने बेसिकली इनको बैनिश कर दिया था, और अपनी कंट्री से इनको निकाल दिया था, और कहा था कि आप वहाँ जाकर एक कॉलोनी बनाएं। तो इन्होंने यहाँ पर आके ये कॉलोनी बनाई थी, और जो मेजर इसकी सेंटर था वो टेक्सटाइल थी, मैन्युफैक्चरिंग, शू मेकिंग, पेपर मेकिंग, और इस तरह की कंपनीज बेसिकली इसके अंदर इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। थर्ड जो है वो है रोड आयरलैंड। रोड आयरलैंड 1663 के अंदर बेसिकली एक कॉलोनी बनी थी, नॉर्दर्न कॉलोनी यूएसए के अंदर, जो कि रोजर विलियम ने बनाई थी, जो कि एक क्लर्गी मैन थे, और इन्होंने यहाँ से परचेज़ किया था कुछ एरिया रेड इंडियन से, बेसिकली रेड इंडियन नेटिव थे। तो यहाँ पर कुछ इशू था, द चार्टर ऑफ फ्रॉम किंग टू, और उन्होंने ये बिल पास किया था, बिल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम का। तो इनको कुछ इशू हुआ था रिलीजियस इशूज से, जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। तो इन्होंने किंग चार्ल्स टू से बेसिकली बिल पास करवाया ताकि इनको फ्रीडम मिल सके, रिलीजियस फ्रीडम मिल सके, ताकि चर्चेज एंड गवर्नमेंट डू नॉट मूव टुगेदर फॉर रिलीजियस फ्रीडम ही क्रिटिसाइज प्यूरिटन्स। तो बेसिकली यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम की वजह से, क्योंकि प्यूरिटन्स को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था, तो उन्होंने उनको लगा कि चर्चेज़ और गवर्नमेंट जो है वो साथ में मूव नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने एक चार्टर इशू कराया किंग चार्ल्स टू से। फिर अगली जो कॉलोनीज़ हैं वो है मिडिल कॉलोनीज़, जो मैंने आपको ऑलरेडी मैप में दिखा दी हैं। जो पहली कॉलोनी है मिडिल कॉलोनी में वो है न्यूयॉर्क, जो कि 1664 में पार्ट बनी थी यूएसए की जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं उसका।
रिचर्ड निकोलस ने बेसिकली निकोलस और निकोल्स बेसिकली इन्होंने जो कि लीडर थे इंग्लिश ट्रूप के, इन्होंने इस कॉलोनी को बनाया था और इन्होंने ये ली थी बेसिकली न्यू एम्स्टरडैम से, जो कि बेसिकली डच के पास थी ये कॉलोनी ऑलरेडी पहले से। तो किंग चार्ल्स टू जो थे उन्होंने इस लैंड को लिया एंड उस लैंड को उन्होंने दे दिया किंग जेम्स टू को, तो हु बिकेम द ड्यूक ऑफ यॉर्क। बेसिकली ये जो लैंड था किंग चार्ल्स टू का, उन्होंने इस लैंड को दे दिया किंग जेम्स टू को, ठीक है, जो कि बाद में बन गए द ड्यूक ऑफ यॉर्क एंड रीनेम्ड इट एज न्यू यॉर्क। तो बेसिकली जो किंग जेम्स थे उन्होंने ख़रीदा किंग चार्ल्स टू से और बाद में ये लैंड बन गया न्यू यॉर्क, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो कॉलोनी है इसके अंदर वो है न्यू जर्सी, जो कि 1664 के अंदर पार्ट बनी थी और बेसिकली ये न्यू यॉर्क और न्यू जर्सी एक ही लैंड के ऊपर थे, ठीक है। किंग जेम्स बेसिकली कुड नॉट एडमिनिस्टर दिस लार्ज एरिया, सो उन्होंने बर्कले से एंड कार्टियर से कहा कि आप ये जो लैंड है ये सोल्ड कर दें क्वेकर्स को। क्वेकर्स जो हैं वो भी एक रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था तो किंग जेम्स को लगता था कि वो इतना बड़ा एरिया को इस एरिया को संभाल नहीं सकेंगे, एडमिनिस्टर नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने इस एरिया को सोल्ड कर दिया क्वेकर्स को। तो ये एक अलग से, क्वेकर्स जो है वो एक अपोजिट सेक्ट है, ठीक है, सेक्ट है एक किस्म का जिसके अंदर रिलीजियस ग्रुप है बेसिकली, और उन्होंने ये आपस में बेसिकली रिलीजियस ही इनकी आइडेंटिटी है, एक अलग से सेक्ट इनका बना हुआ है। फिर आगे जो है थर्ड कॉलोनी है वो है डेलावेयर, जो कि 1664 में इसका पार्ट बनी थी। दिस कॉलोनी वॉज इंग्लिश कंकर्ड फ्रॉम डच, बेसिकली ये उन्होंने इंग्लिश कॉलोनी थी लेकिन उन्होंने कंकर की थी डच से। किंग जेम्स टू ने इसको बेसिकली सीड किया था और लिया था विलियम पेन से, बेसिकली किंग जेम्स टू ने इसको ले लिया था विलियम पेन से। इट वॉज ऑल्सो पोलिटिकली अंडर न्यूयॉर्क, ये भी न्यूयॉर्क के अंदर ही आती थी और बेसिकली ये वो कॉलोनी थी जहाँ पर स्लेव्स को लेकर आया जाता था और स्लेव को या तो आज़ाद कर दिया जाएगा या फिर स्लेव्स को मंथली कुछ कमा कर दिया जाएगा, ठीक है। सो या तो वो कमाएंगे यहाँ पर, ये बेसिकली स्लेव्स टाइप की कॉलोनी थी। ऑल द स्लेव्स ऑन विच टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कॉल्ड इंडेंचर्ड कॉलोनी। सो बेसिकली इसको इंडेंचर्ड कॉलोनी क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर स्लेव को लाया जाता था और या तो उनको आज़ाद कर दिया जाता था, ठीक है, और यहाँ पर सारे स्लेव्स आ रहे थे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उनके ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती थी जिसको हम कहते थे इंडेंचर्ड, इंडेंचर्ड कहा जाता था, जिसकी वजह से इस कॉलोनी को भी कहते थे कि इंडेंचर्ड सर्वेंट कॉलोनी, ठीक है। फिर फोर्थ जो कॉलोनी है वो है पेनिसल्वेनिया। सो 1681 के अंदर ये पार्ट बनी थी, विलियम पेन जो थे एक क्वेकर्स थे, जिसको मैंने बारे में बताया कि वो एक रिलीजियस ग्रुप था, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे किंग के, ठीक है, और उनके जो फादर थे वो भी बहुत क्लोज थे किंग किंग चार्ल्स, जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है टू के। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर हैं आपसे बहुत क्लोज थे और उनके उनका कुछ कर्ज़ा आपने उतारना है। तो किंग ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि मैं कर्ज़ा उतारूं, उन्होंने एक एरिया उनको दे दिया, ठीक है। किंग प्रोवाइडेड हिम विद दिस कॉलोनी जिसका नाम हम लोगों ने कहा है पेनिसल्वेनिया। तो ही शोज़ जेनरसनेस एंड टॉलरेंस एंड सेट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर, ठीक है। जो बेसिकली विलियम पेन थे वो बहुत क्लोज थे किंग के, ठीक है, और उनके फादर का कुछ कर्ज़ा था, ठीक है, किंग के ऊपर कुछ कर्ज़ा था, तो किंग ने बजाय इसके कि वो कर्ज़ा उतारते वो कॉलोनी ही इनके नाम कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस कॉलोनी को पेनिसल्वेनिया कहा जाता है फिर, ठीक है। फिर हमारे पास है साउदर्न कॉलोनी। साउदर्न कॉलोनीज के अंदर पहली जो कॉलोनी है वो है वर्जीनिया। 1606 में ये कॉलोनी बेसिकली बनी थी और किंग जेम्स जो थे जिनको बैनिश कर दिया गया था, बैनिश और बेसिकली इन्होंने बैनिश कर दिया था हर प्रोटेस्टेंट को 1606 से 1607 तक। तो उन्होंने इन जो प्रोटेस्टेंट थे उनको यहाँ पर भेज दिया। किंग जेम्स बैनिश्ड ऑल द प्रोटेस्टेंट इन 1606-7 एंड सेंड देम टू दिस प्लेस, वर्जीनिया तक उन्होंने भेज दिया और फर्स्ट सक्सेसफुल सेटलमेंट हुई, ठीक है, प्रोटेस्टेंट की इंग्लैंड के जो लोग यहाँ पर आए। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, एग्रीकल्चर के लिहाज से भी सॉयल इनका बहुत फर्टाइल था। तो फर्स्ट सेफ कॉलोनी थी, मतलब स्लेव कॉलोनी, मतलब ये यहाँ पर बहुत सारे स्लेव्स थे, अफ्रीकन से स्लेव यहाँ पर लाए जाते थे और उनसे काम कराया जाता था, जो प्रॉफिट होता था वो इलीट आपस में शेयर कर लिया करते थे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल था क्योंकि इधर टोबैको बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, एग्रीकल्चर स्पेशली टोबैको। और फर्स्ट वर्जीनिया कंपनी, जिस तरह यहाँ पर एक फर्स्ट वर्जीनिया कंपनी भी बनी थी, जिस जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस तरह से। फिर सेकंड जो है वो मैरीलैंड है। मैरीलैंड जो है वो जॉर्ज कैलवर्ट रिक्वेस्टेड किंग चार्ल्स वन टू इशू चार्टर। तो उन्होंने क्या किया कि इसका नेम ही नेम्ड इट आफ्टर क्वीन मारिया। क्वीन मारिया के नाम पर इस
कोइन इस बेसिकली कॉलोनी का नाम रखा। फिर उसके बाद यहाँ पर रिलीजियस कुछ रिलीजियस टॉलरेंस बिल वॉज ऑल्सो पास्ड बाय किंग बिकॉज ऑफ द रिफ्ट बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। तो किंग ने कुछ यहाँ पर बिल्स भी पास कराए ताकि यहाँ पर जो रिफ्ट चल रही है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की वो सॉल्व हो जाए। फिर हमारे पास है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना जो हमारे पास है वो सिविल वॉर चल रही थी। किंग चार्ल्स ने, किंग चार्ल्स थे वो बेसिकली हेड थे। किंग चार्ल्स टू ग्रांटेड दिस लैंड टू 8 लॉर्ड प्रोप्रिएटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्लेवरी अलाउड थी, ठीक है, यहाँ पर स्लेवरी अलाउड थी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस और पेव द वे फॉर साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। ये बहुत फर्टाइल लैंड था, इसने बेसिकली पेव की नई राहें हमवार की साउथ कैरोलिना के लिए। साउथ कैरोलिना जो थी वो थी गवर्नमेंट ऑफ 8 लैंड प्रोप्रिएटर की। ठीक है, यहाँ पर ये भी स्लेव स्टेट थी, ये बहुत फर्टाइल थी क्योंकि ये यहाँ पर स्लेव को लाया जाता था और उनसे काम कराया जाता था, तो वो सेम ही बात हो गई। फिफ्थ जो स्टेट है साउदर्न, उसके अंदर है जॉर्जिया। 1732 के अंदर ये बनी थी और जेम्स ऑगली थ्रोप ने बेसिकली इसको बनाया था और इसको बफर कॉलोनी भी कहा जाता है। पीपल इंटर इन दिस कॉलोनी, बफर कॉलोनी बिटवीन साउदर्न कैरोलिना एंड फ्लोरिडा, इसलिए इसको बफर कॉलोनी कहा जाता है। इधर सिस्टम ऑफ मोरालिटी थी, मतलब वाइन जो थी वो बैन थी, स्लेवरी बैन थी, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों के और सो मेनी पीपल यहाँ पर लेफ्ट कर चुके थे, मतलब वक्त के साथ साथ लोग इधर इस कॉलोनी को छोड़ रहे थे। अब हमारे पास कुछ रीजंस हैं कॉलोनाइजेशन की, जो कि पहली रीजंस है रेनेसांस इन यूरोप 1400 to 1600। मतलब यहाँ पर ना एजुकेशन बहुत आ रही थी, थ्यूक्रेसी से डेमोक्रेटिक रूल आ गया, इलिट्रेसी से लिटरेसी आ गई, फार्मिंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन से राइट्स डिमांड आ गई, तो इसलिए ये एक रीज़न था कॉलोनाइजेशन का। सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, जब रॉ मटेरियल चाहिए थे तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ज़रूरत थी एक्सपोर्ट करने की, तो इसलिए भी यहाँ पर कॉलोनीज बनी ताकि उनसे एक्सपोर्ट कर सकें और इम्पोर्ट कर सकें हम लोग। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक पहली चीज़ है कि नीड एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए थी, ठीक है, स्वॉर्ड्स आर्म्स चाहिए थी, रिफल्स चाहिए थी। इंपीरियल लॉज जो थे, सॉरी इंपीरियल रेस, ठीक है, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, यूके एंड फ्रांस आर ऑल्सो द एनिमी, ठीक है, तो इसी वजह से इस रेस के थ्रू इंग्लैंड ने बेसिकली बनाया कि हम लोग भी, हमारी ज़्यादा कॉलोनीज हो और हमारा ज़्यादा रूल हो, फ्रांस को हम लोग हरा दें। रिलीजियस परसिक्यूशन इन यूरोप, द सेक्रेटेरियन सिस्टम जो था, ठीक है, जिसकी वजह स्प्रेड हो रहा था यूरोप के अंदर जो प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिक्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर राइज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिस तरह शेयर होल्डर थे, ठीक है, वो प्रॉफिट एक्सप्लॉयट करते थे। ईस्ट इंडियन कंपनी थी जिस तरह वर्जीनिया की कंपनी थी, ठीक है, वो लोग बेसिकली बॉर्जियाजा और प्रोलेटेरियट क्लासेस जो थी वो बन गई थी और वो एक्सप्लॉयट करते थे, अमीर जो थे वो आपस में शेयर्स बांट लेते थे। राइज इन मिडिल क्लास बिकॉज जॉब्स की कमी थी, इसलिए मिडिल क्लास बढ़ने लगी, ठीक है, कैपिटलिस्ट मार्केट शुरू हो गई और कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, सर्च फॉर न्यू नॉलेज शुरू हुआ, हिस्टोरियन फॉर फाउंड न्यू वर्ल्ड फाउंड किया उन्होंने। मर्केंटलिज्म, अब क्या चीज़ है मर्केंटलिज्म, ये कि जो कुछ जिस जगह पर आप कॉलोनाइज कर रहे हो उसको अच्छी तरह से नचोड़ो, मतलब किसी भी तरह से उनको आप डिसएडवांटेज दो, ठीक है, सॉफ्ट पावर और यूज़ करो। जिस तरह ये यहाँ कर स्लेव लाए जाते थे उनको अच्छे तरीके से नचोड़ते थे, उनसे काम कराते थे, ठीक है, उनको एक्सप्लॉयट करते थे। बेसिकली मर्केंटलिज्म का यही कॉन्सेप्ट है कि जिस जगह को भी आप कॉलोनाइज कर रहे हो उनको अच्छी तरह से नचोड़ो कि वो वहाँ पर दोबारा कोई रूल ही ना कर सके, आपकी अपनी ही वहाँ पर रूल रहे, ठीक है, बिजनेस का हो चाहे किसी चीज़ का भी हो, हाई प्राइसेज से वहाँ से चीज़ें लो और बहुत हाई प्राइसेज में आप उसको एक्सपोर्ट करो, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर था, ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी तो कॉलोनीज़ की ज़रूरत थी। इनोवेशन आइडियाज़ बने, ठीक है, क्वेस्ट फॉर ट्रेजर, गोल्ड एंड सिल्वर इन अमेरिका, एंशियंट हेरिटेज, तो बेसिकली ट्रेजर का क्वेस्ट था, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए थी, गोल्ड और सिल्वर चाहिए था, तो दैट्स वाई उन्होंने कॉलोनाइजेशन की। तो यही कुछ रीजंस थे और यही हमारे पास यूएसए एज अ ब्रिटिश कॉलोनी बनी, ठीक है। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन जो कि इसी पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए देखने के लिए शुक्रिया। If you have any queries, you can ask me in the comment section. Like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.